हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और निरंतर अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखे होंगे। आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर होने वाला है, ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो इस फिजिकल डिवीज़न ऑफ ज्योग्राफी में हम, या अगर बात करें हम मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, इससे संबंधित हमने एक लेक्चर देख लिया है। अब हम इसके बाद दूसरे लेक्चर में उसी से संबंधित आगे बात करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी देखी थी। क्या देखा था कल की क्लास में हमने? कल की क्लास में हमने मालवा का पठार और दूसरी एक और चर्चा करी थी हमने, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये दो हमने डिस्कशन कर ली थी। मालवा के पठार की भी डिस्कशन कर ली थी हमने और नर्मदा सोन की घाटी को भी हमने देख लिया था। तो ये दो पार्ट हमारे हो चुके थे। इसके बाद आज हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, देख लेते हैं हम। अगर हम देखें नर्मदा सोन घाटी में दूसरा जो हमारा पार्ट था, इसमें थोड़ा सा रह गया था, तो उसको भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नर्मदा सोन घाटी में पढ़ा रहा था और इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कुछ बातें इसमें हमने करी थी। जैसे नर्मदा सोन घाटी की स्थिति अगर देखें, तो यह जो घाटी है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले भागों में स्थित है, और इसका अगर विस्तार देखेंगे पूर्व से लेकर बघेलखंड के पठार के उत्तर से लेकर और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम से पूर्व से लेकर हम देखते हैं, तो पश्चिम की ओर जब हम आते हैं तो पश्चिम में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में तो ये पश्चिम, पूरा संपूर्ण पश्चिमी भाग, इसके बाद फिर गुजरात और फिर भड़ोच में आकर ये घाटी समाप्त हो जाती है। यानी कुल मिलाकर इस घाटी का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से अमरकंटक और अगर बात करें हम बघेलखंड के पठार के उत्तर से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर भड़ोच के निकट गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में ये जो घाटी है यहाँ तक इसका विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है, मैंने कल बताया था। इससे संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे, जैसे कि नर्मदा सोन घाटी का निर्माण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें, तो पहला हमने इसमें सबसे पहले जो बात की थी नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल की बात की थी। क्षेत्रफल कितना था इसका? तो पहला पॉइंट मैंने क्षेत्रफल को बताया था, इसका क्षेत्रफल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इलाका था इसका, जो समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का बेटा अगर बात करें तो कितना था, 26% था, ये मैंने कल आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नर्मदा सोन घाटी जो है इससे संबंधित दूसरा फैक्ट ये था कि इस घाटी क्षेत्र का जो निर्माण है ठीक है, वो किस तरीके से हुआ है। तो हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य है। कहाँ पर है बेटा? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य है। एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। क्या है बेटा? एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। तो भ्रंश घाटी होने के कारण अगर हम देखेंगे कि दोनों ओर ब्लॉक पर्वत हैं, अगर देखें हम सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है और उसके उत्तर में देखें अगर हम तो नर्मदा की घाटी स्थित है, तो एक भ्रंश घाटी है। तो घाटी का निर्माण हुआ है किसका क्रिया से हुआ है? भ्रंशन की क्रिया से हुआ है। भ्रंशन की प्रक्रिया के माध्यम से नर्मदा की घाटी का निर्माण हुआ है। अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नज़र आ जाता है कि किस तरीके से नर्मदा की ये जो घाटी है नर्मदा की घाटी का जो विस्तार है कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये पूर्व से लेकर पश्चिमी भाग तक इस तरीके से फैली हुई है, नर्मदा की जो घाटी है ये एक भ्रंश घाटी है। ठीक है, क्या एक भ्रंश घाटी का एग्जांपल है, एक भ्रंश घाटी है। और इसमें अगर हम देखें
तो ये घाटी की विशेषता ये है कि ये पूर्व की ओर थोड़ी सी सक्रिय है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई हमें होशंगाबाद वाले रीजन में मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा? होशंगाबाद वाले रीजन में मिलती है। इसके बाद फिर आगे जाते हैं तो महेश्वर वाले रीजन में, और ये और ज़्यादा अगर बात करें इसकी चौड़ाई हमें नज़र आती है, यानी कहीं ना कहीं होशंगाबाद और महेश्वर रीजन के पास इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये कहाँ चली जाती है? भरूच के निकट, जो है भरूच तक यानी गुजरात तक इसकी जो खाड़ी का विस्तार हमें देखने को मिलता है मुख्य तौर पर। ठीक है, घाटी है, भ्रंशन की क्रिया से, फॉल्टिंग की क्रिया से बने भ्रंशों में यह नदी बहती है। भ्रंशों में बहने वाली नदी में से एक है नर्मदा नदी। इसके अलावा अगर सोन की घाटी देखें तो सोन जो है वह अमरकंटक से निकलते हुए ये कहाँ चली जाती है? ये उत्तर पूर्व की ओर नर्मदा नदी में मिल जा उत्तर पूर्व की ओर गंगा नदी में मिल जाती है। दानापुर अगर बात करें पटना के निकट, ये बिहार में नर्मदा गंगा नदी की एक सहायक नदी है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से नर्मदा सोन की बात हम करें अगर, तो नर्मदा सोन नदी का यहाँ पर हमें विस्तार दिखाई देता है। तीसरा अगर पॉइंट देखें इसमें, तो तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट है, थर्ड अगर पॉइंट देखें इसमें, तो थर्ड पॉइंट है कि नर्मदा की जो घाटी है, इस घाटी के अंतर्गत अगर देखें इसका निर्माण देख लिया, फिर हम देख लेते हैं। हमने इसमें देखा था तापमान एवं हम वर्षा की बात कर लेते हैं नर्मदा की घाटी में। ठीक है, तो तापमान और वर्षा की बात करते हैं, तो नर्मदा की घाटी की जलवायु से संबंधित हम बात जब करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर देख लेते हैं। यह भी एक प्रकार की हमारा एक भौतिक प्रदेश है जहाँ का तापमान अगर देखें तो उच्चतम तापमान और निम्न तापमान हमें नज़र आता है। ठीक है, उच्च तापमान या हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मिलता है? तो ये इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिलता है। वहीं न्यूनतम तापमान देखें तो लगभग 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। वहीं अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा का क्रम क्या है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस घाटी में अगर देखोगे आप वर्षा का क्रम, तो इस घाटी में वर्षा मुख्य तौर पर अगर देखेंगे हम, तो जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा का क्रम अलग अलग हो जाता है। जैसे इस घाटी में अगर हम जबलपुर में देखें, कहाँ पर बेटा? जबलपुर में देखें, इस घाटी के क्षेत्र में अगर हम जबलपुर वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर इसमें लगभग लगभग अगर देखें तो 142 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। वहीं अगर थोड़ा और आएं और होशंगाबाद रीजन में आएं, ठीक है, होशंगाबाद रीजन में आएंगे तो लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। फिर हम और आगे जाकर अगर हम देखें इसमें, तो और आगे जाएंगे और लगभग लगभग अगर हम और पश्चिम की ओर जाएंगे तो फिर हमें इसके वर्षा का क्रम, और अगर हम इसमें बुरहानपुर में देखें तो वर्षा जो है ये घटकर लगभग लगभग कितनी हो जाती है? ये 85 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। और फिर और ज़्यादा अगर हम पश्चिम में जाते जाएंगे, यानी पश्चिम में यानी लगभग पश्चिम के अंतिम छोर में जाएंगे, हम अंतिम भाग में जाएंगे, तो हमें ये जो वर्षा का क्रम है और ज़्यादा घटता हुआ लगभग लगभग ये 50 सेंटीमीटर से भी क्या हो जाता है? बिलो हो जाता है, कम हो जाता है। यानी क्या हो रहा है? वर्षा का क्रम पश्चिम से पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये बात भी हमने देख ली कि तापमान और वर्षा में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। फिर हम देख लेते हैं जलवायु क्या है भाई नर्मदा के क्षेत्र की, नर्मदा की घाटी की जलवायु। तो हमारा जो कौन सा पॉइंट था अगर हम देखें हम, तो यहाँ पर तीसरे के बाद चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट कहता है जलवायु का। जलवायु को अगर देखेंगे हम तो नर्मदा के क्षेत्र की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी ही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु ही है। ठीक है, लेकिन इसके जलवायु की विशेषता ये है कि इस जलवायु की जो चूँकि घाटी क्षेत्र है इसलिए यहाँ की जलवायु जो है गर्मी के टाइम में, गर्मी के समय में अगर देखें तो गर्मी के समय में अत्यधिक गर्म होती है। अत्यधिक क्या होती है? गर्म होती है ये जलवायु, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्मी के समय में अत्यधिक गर्म है। और
आर्द्रता युक्त है। कैसा बेटा? आर्द्रता युक्त, यानी ह्यूमिड होती है यहाँ की क्लाइमेट, आर्द्रता युक्त रहती है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत में सामान्य ठंडी पड़ती है यहाँ पर। क्या होती है? शीत ऋतु में यहाँ पर हमें सामान्य क्या मिलती है? शीत ऋतु मिलती है, सामान्य ठंडी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जो गर्मी में अत्यधिक तापमान युक्त होती है। और इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें हमें ह्यूमिड थोड़ा सा क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहीं शीत ऋतु में देखें तो शीत ऋतु में ठंड जो है वो सामान्य प्रकृति की होती है, सामान्य ठंडक हमें दिखाई देती है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद अगर हम देखें पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो पांचवे पॉइंट में क्या आता है? तो पांचवे पॉइंट में हम मृदा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम मृदा की बात कर रहे हैं। तो सॉइल कैसी है? तो अगर हम नर्मदा नदी की घाटी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर काली काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा के यहाँ पर ज़्यादातर दो रूप दिखाई देते हैं, एक तो गहरी काली यहाँ पर दिखाई देती है, गहरी काली यानी ब्लैक सॉयल, वो भी कैसी? डार्केस्ट ब्लॉक ब्लैक सॉयल होती है। और इसके अलावा जो है गहरी काली ज़्यादा दिखाई देती है, और अगर हम बात करें तो सामान्य काली, सामान्य काली मिट्टी दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो नर्मदा की घाटी क्षेत्र से लगी हुई मृदा तो गहरी काली है, और जैसे जैसे घाटी से दूरी बढ़ती चली जाती है, क्या होती है बेटा? जैसे जैसे घाटी से दूरी बढ़ती चली जाती है, नर्मदा के क्षेत्रों में मिट्टी कैसी हो जाती है? थोड़ी सी सामान्य काली हो जाती है। यानी एक सॉयल है जो ज़्यादा ब्लैक है, जिसमें अगर बात करें जिसको हम चरणोजम भी कहते हैं, और इसमें एल्यूमिनियम की और लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए ज़्यादा इसका रंग कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। और जैसे जैसे घाटी से हम दूरवर्ती क्षेत्रों में चले जाते हैं, ये मृदा थोड़ी सी सामान्य काली की ओर बढ़ने लगती है, यानी इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा में कमी आने लगती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम छठवां पॉइंट देखें तो नर्मदा की घाटी में मृदा है तो कृषि की बात हम भी कर लेते हैं। कृषि की जब बात करते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ज़्यादातर कृषि जो की जाती है वो गेहूं की कृषि की जाती है, गेहूं एवं अगर बात करें गेहूं और सोयाबीन की कृषि ब्लैक सॉइल में ज़्यादा की जाती है। सोयाबीन की कृषि, गेहूँ और सोयाबीन यहाँ पर उगाई जाती है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा, अगर देखें हम, गेहूं सोयाबीन तो है ही, इसके अलावा दलहन, दलहन में सबसे ज़्यादा तुअर दाल की कृषि यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मात्रा में तिलहन, ठीक है, तिलहन भी यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में मक्का और चने की भी कृषि यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। कृषि की दृष्टि से अगर देखें, फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें, खनिजों की बात कर लेते हैं, खनिज देख लेते हैं इस घाटी क्षेत्र में। तो इस घाटी क्षेत्र में हमें, अगर हम होशंगाबाद रीजन में और इस क्षेत्र की विषय देखें, तो कुछ यहाँ पर हमें खनिज के तौर पर अगर देखें तो टंगस्टन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? टंगस्टन मिलता है होशंगाबाद के अगर गाँव में मिलता है तो टंगस्टन, टंगस्टन यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें सोन की घाटी में, तो सोन की जो घाटी है बेटा, सोन की घाटी, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले के निक्षेप मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? कोयले के डिपॉजिट्स या निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये खनिज हो जाता है। फिर अगर हम देखें कि और क्या है इसकी विशेषता, तो अगर हम देखें इसमें, ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है, यानी ऐसी कोई पीक तो है यहाँ होगी नहीं, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्या है बेटा? निचला भाग है मध्य प्रदेश की। जो अगर हम डेप्थ देखेंगे तो समुद्र तल से ये लगभग 300 मीटर की डेप्थ में है, गहराई में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा निचला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वनस्पति और देख लेते हैं, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वनस्पतियों की बात कर लेते हैं, तो वनस्पति की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर शीशम, शीशम के वृक्ष, शीशम, ठीक है, कुछ मात्रा में साल के वृक्ष, सागौन, ठीक है, इसके अलावा बांस भी वहाँ पर होता है।
इसके अलावा अगर आप बात करें तो आम, महुआ, ठीक है, ये अन्य प्रकार की अगर देखें। और इसके अलावा कटीले वन, कटीले वन जो हैं वो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अगर बात करें वनस्पतियाँ हैं जो मुख्य तौर पर नर्मदा की घाटी में पाई जाती हैं। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है बेटा कि किस तरीके से नर्मदा की घाटी की विशेषताएँ हैं। कल हमने इससे संबंधित बातें की थी और इसके बाद हमने कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने शुरू से ही बता दिया कि किस तरीके का क्षेत्रफल है घाटी का निर्माण, फिर उसके बाद तापमान और वर्षा बता दिया। इसके अलावा मैंने इसमें क्या क्या जलवायु है, मृदा है, कृषि है, खनिज है और किस तरीके से वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम इसके बाद तीसरे भौतिक प्रदेश की बात कर लेते हैं, तीसरा भौतिक प्रदेश देख लेते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी के बाद मैं इसी में से जो हमने कल देखा था, क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने मध्य उच्च भूमियों के अंतर्गत मालवा का पठार देख लिया है और नर्मदा सोन घाटी देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत के पठार की। इसका तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार हम देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार, ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत का पठार अगर देखें हम, तो ये मुख्यतः सबसे पहले इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन क्या है मध्य भारत के पठार की, लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। मध्य भारत का जो पठार है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्लियरली आपको नज़र आएगा, मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार की लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मध्य भारत का पठार अगर देखोगे मध्य प्रदेश में, तो ये पठार बेसिकली, ये पठार मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, उत्तर पश्चिम भागों में कहेंगे मध्य भारत का पठार आता है। ये है मध्य भारत का पठार, ठीक है, तो ये मध्य भारत का पठार है। इस तरीके से आप मध्य भारत के पठार को लोकेट कर सकते हो, ये मध्य भारत का पठार है, यहाँ से इसका भाग आप देख सकते हो, ये मध्य भारत का पठार स्थित है यहाँ पर। अब मध्य भारत के पठार को अगर हम देखेंगे, हमने लोकेशन से देख लिया, इसकी स्थिति क्या है मध्य भारत के पठार की, तो स्थिति है अगर आप देखोगे तो इसके दक्षिण में, अगर आप देखोगे इसके दक्षिण में मध्य भारत के पठार के, तो हम इसकी कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में क्या है बेटा, मालवा का पठार स्थित है। दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार है। इसके अलावा अगर देखें इसमें, तो इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में क्या है बेटा, बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड का पठार स्थित है, ठीक है। उत्तर की बात कर लेते हैं, तो उत्तर में क्या है इसका, उत्तर में अगर देखेंगे तो उत्तर में क्या है, उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में हमें इसमें दिखाई देता है यमुना का बेसिन, क्या गया दिखाई देता है, यमुना नदी का बेसिन, यमुना नदी का हमें यहाँ पर बेसिन क्षेत्र दिखाई देता है, यमुना नदी का बेसिन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से मध्य भारत का पठार, और इसके उत्तर पूर्व की बात करें अगर, इसके उत्तर पूर्व में देखें तो उत्तर पूर्व में हमें अरावली दिखता है, क्या दिखता है, अरावली क्षेत्र दिखता है, अरावली पर्वत दिखता है, ये दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें इसमें, दूसरी इसकी विशेषता देख लेते हैं, दूसरी विशेषता पर गौर करेंगे अगर हम, तो दूसरी विशेषता पर आ जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, या कह सकते हैं दूसरा मुख्य पॉइंट है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इस भू आकृति जो क्षेत्र है या भू आकृतिक जो विभाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य भारत का जो पठार है
ये समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का अगर देखें तो ये लगभग लगभग कितना है बेटा, 10.7% भाग है। कितना है बेटा, 10.7% भाग है समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। ये 10.7% तकरीबन क्या है, ये भाग है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है मध्य भारत के पठार का, तो इसका है 32, इसका जो क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 32,800 कितना है बेटा, 32,896 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, 32,896 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 10.7% के आसपास है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि यह मध्य प्रदेश का अगर बात करें, क्षेत्रफल देख लिया, फिर तीसरा इसका पॉइंट अगर देखें तो तापमान और वर्षा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तापमान एवं वर्षा की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मध्य भारत का पठार जो है यहाँ पर हमें शुष्क महाद्वीपीय जलवायु दिखाई देती है। कौन सी बेटा, शुष्क महाद्वीपीय। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है बेटा, ग्रीष्म ऋतु जो होती है ये अत्यधिक कैसी होती है, अत्यधिक गर्म होती है, अत्यधिक गर्म। ये शुष्क महाद्वीपीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, और जो शीत ऋतु होती है बेटा, है ना, शीत ऋतु भी अत्यधिक ठंडी होती है। ये भी क्या होती है, अत्यधिक ठंडी होती है शीत ऋतु भी, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ठंडी दिखाई देगी, अत्यधिक ठंडी यानी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है और ज़्यादा यहाँ पर ठंडी पड़ती है। अगर ग्रीष्म ऋतु का तापमान देखें, है ना, ग्रीष्म ऋतु का अगर टेम्परेचर देखें तो ग्रीष्म ऋतु का तापमान हमें 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम प्राप्त होता है। वहीं अगर बात करें शीत ऋतु का न्यूनतम तापमान अगर देखें तो ये हमें 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैं अप्रोक्स 10 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ, के आसपास जो है मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र भी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाता है। गर्म क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ग्वालियर और खजुराहो, ये दो क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के सबसे गर्म इलाके हैं। अगर इसको देखेंगे हम तो ग्वालियर और खजुराहो मध्य प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्र में आते हैं। जो कहाँ आते हैं, एक अगर खजुराहो को देखोगे तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और ग्वालियर देखोगे तो ये मध्य भारत के पठार का क्षेत्र है। तो ग्वालियर यहाँ पर रीज़न हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। अगर शीत ऋतु की बात करें, ठंडक की बात करें, तो ग्वालियर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, मुरैना रीजन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड देखने को मिलती है, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। चौथे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर है जलवायु। अच्छा, एक और इसमें बात रह गई है इसी पॉइंट में, वर्षा की बात नहीं की हमने, तो वर्षा भी इसी में देख लेते हैं। अगर हम वर्षा की बात करें, ठीक है, तो वर्षा कैसी होती है इसमें, क्योंकि तापमान और वर्षा है, वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र विशेष में चूँकि वर्षा, चूँकि शुष्क मानसूनी प्रकार की, शुष्क जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कैसी होती है बेटा, कम होती। यानी वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से बिलो होती है, कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है। और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान यानी भिंड, कौन सा है, भिंड है, जहां पर 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है या रिकॉर्ड की गई 55 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्षा देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है, 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 के आसपास वर्षा होती है, कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में, सबसे कम 55 सेंटीमीटर के आसपास हमें वर्षा देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट क्या कहता है,
पांचवा पॉइंट कहता है कि इसमें कौन सी मध्य भारत के पठार में मृदा की क्या स्थिति है, इसको देख लेते हैं किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मध्य भारत का जो पठार है बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें मिलती है हमें जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मृदा मिलती है। क्यों भैया जलोढ़ मृदा मिलती है? क्योंकि ये जो है वो चंबल का उपाद्र क्षेत्र है। ये क्या है बेटा? चंबल का उपाद्र क्षेत्र कहलाता है, और चंबल का उपाद्र क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर चंबल और चंबल की सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जलोढ़ मृदा लाई जाती है। क्या लाई जाती बेटा? जलोढ़ मृदा लाई जाती है, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी प्रधान है। चंबल का उपाद्र क्षेत्र है, यहीं पर चंबल द्वारा इस क्षेत्र विशेष में अवनाली का अपर्दन करके बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। क्या निर्माण किया जाता है? बीहड़ों का। तो यहीं मृदा में हम देखें सर्वाधिक यहाँ पर अवनाली का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन क्या होता है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि बीहड़ों का निर्माण हो गया है। किसका हो गया बेटा? बीहड़ों का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बीहड़ों का यहाँ निर्माण हो गया है, और ये बीहड़ अगर देखेंगे तो 15 से 30 मीटर तक गहरे हैं। ये बीहड़ कैसे हैं? 15 से 30 मीटर तक हमें गहराई इनकी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें हम छठवें पॉइंट में, तो कौन कौन से यहाँ पर अगर बात करें कोई पीक है क्या इस क्षेत्र में? ऊंचाई वाले क्षेत्र तो ऐसे स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अगर हम कहें तो ये जो क्षेत्र है इसमें कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो इस पॉइंट की बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो चंबल के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे बड़ा तंत्र है यहां पर चंबल का नदी तंत्र। तो चंबल प्रमुख यहां की नदी है, चंबल नदी है। चंबल के बाद चंबल की सहायक नदियां यहां पर आ जाती हैं, जैसे कि अगर बात करें सिंध नदी, ठीक है, यहीं पर प्रवाहित होती है, सिंध हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी बेतवा यहाँ से प्रवाह इस सॉरी बेतवा नहीं कहेंगे इसको बेतवा इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये तो जाती है बुंदेलखंड वाले रीजन में। चंबल है, सिंध है, तीसरा हो जाएगा हमारा कूनो नदी। कौन सी नदी? कूनो नहीं, यहाँ ठीक है, पालपुर कूनो के आसपास ये नदी है, तो कूनो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। कौन सी नदी हो जाएगी? कूनो रिवर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सिवना नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिवना, जिसके तट पर मंदसौर स्थित है, ठीक है, सिवना हो जाएगी। और इसके बाद अगर बात करें एक और नदी आती है, बिल्कुल सही है, कुंवारी नदी। कौन सी नदी आती है? कुंवारी, जो कि कहाँ पर स्थित है? जिसके तट पर शिवपुरी स्थित है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, चंबल है, सिंध है, कूनो है, सिवना और कुंवारी नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें खनिज क्षेत्र देख लेते हैं। खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं इसमें? तो खनिजों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य तौर पर खनिजों की उतनी ज़्यादा अगर बात करें बहुतायात में तो नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें रंगीन संगमरमर देखने को मिलता है। कौन सा बेटा? रंगीन संगमरमर देखने को मिलता है। रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर फायर किले भी होती है कुछ मात्रा में, फायर किले जो कि जबलपुर में ही पाई जाती है। और तीसरा अगर देखें तो गेरू पाया जाता है। चौथा अगर देखें तो चूना पत्थर कुछ मात्रा में, चूना पत्थर यहाँ होता है, और क्वार्ट्ज़ाइट होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज़ाइट भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गेरू लिख दिया हमने, फायर के लिए देख लिया है, संगमरमर, रंगीन संगमरमर, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये खनिजों में कुछ खनिज हैं। इसके अलावा आठवां पॉइंट वनस्पतियों का देख लेते हैं, कोई वनस्पति यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि वर्षा की मात्रा कैसी है बेटा? बहुत कम है, तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पर हमें ज़्यादातर क्या दिखाई देती हैं? ज़्यादातर कटीले वन और झाड़ियाँ ही नज़र आती हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ ज़्यादातर यहाँ पर नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ मात्रा में सागौन, ठीक है, कुछ मात्रा में सागौन और तेंदू पत्ता। कौन सा? कुछ मात्रा में सागौन, तेंदू पत्ता
और महुआ यहाँ पर, आम महुआ यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आम और महुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें अपन ने देखी है जो वनस्पतियों से संबंधित।